वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल में स्टे विद मी में। और देखिए, ये जो वैकेंसी है इसकी भर्ती तो ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड करे BECIL इसकी वैकेंसी कर रही है। इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस ये कर रही है, बल्कि इसकी जो वैकेंसी आपकी है ये है आपकी रियल वैकेंसी है। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में आपकी ये वैकेंसी होने वाली है। आप यहाँ से देख सकते हैं, नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में आपकी ये वैकेंसी है और इसकी जो भर्ती करेगी वो BECIL आपकी ये भर्ती करने वाली। जैसे कि अगर आपको बैंक में भर्ती होना है, आपको बैंक में जाना है, तो क्या होता है आपका जो है ना IBPS जो है ना आपका रिक्रूटमेंट करती है। तो सेम उसी तरह है, आपको जाना नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में और आपकी भर्ती जो है ना BECIL कर रही है। और ये अपने आप में एक मिनी रत्न कंपनी है। ये नोटिफिकेशन कई सारे आ रहे हैं, इन्हें बाद में देखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो वैकेंसी है ये शुरू होगी, आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे 22 जुलाई से, ठीक है। और जो आपके अंतिम डेट रहेगी 21 अगस्त आपकी अंतिम डेट रहेगी फॉर्म भरने की। फॉर्म कहाँ भरोगे? इसी वेबसाइट पर www.becil.com पर जाकर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर पाओगे। देखिए, कई सारे पदों वैकेंसी डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला जो पोस्ट कोड NE1 आता है यह है स्टेशन कंट्रोलर, ठीक है, या कहेंगे ट्रेन ऑपरेटर। इसमें जो वैकेंसी 9 वैकेंसी रिजर्वेशन आप यहाँ से देख सकते हो। आपको ग्रेजुएशन इन साइंस में होना चाहिए या फिर 3 साल का डिप्लोमा वगैरह है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सिविल में, मैकेनिकल में, IT में या फिर B.tech वगैरह किसी भी डिसिप्लिन से है, ठीक है, जो ऊपर बताया गया, जैसे इलेक्ट्रिकल में, टेलीकम्युनिकेशन में, IT में, सिविल में, मैकेनिकल में, B.tech वगैरह तो भी अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएट साइंस में तब भी अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब बहुत सारे बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी उम्र सीमा 18 से 32 साल के बीच में होनी चाहिए और आपकी इनकम जो है 35,000 रुपये फिक्स। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक मैं बताना भूल गया, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। मतलब कि ये संविदा जिसे आप कहते हो, तो ये सारी वैकेंसी किस पर हैं? ये आपकी वैकेंसी संविदा के बेसिस पे होने वाली है, ठीक है। तो शुरुआत में ये 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, फिर अगर आप और आगे करना चाहते हैं या जॉब की ऐसी रिक्वायरमेंट होती है इनकी जो आपको जॉब प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपकी ये नौकरी कंटिन्यू हो सकती है आगे कुछ सालों के लिए। हालांकि ये परमानेंट जॉब सरकारी नौकरी नहीं है। इसके अलावा जो बेनिफिट है आपको, जो 2 लाख रुपए का जो है ना आपको जो है ना एक्सीडेंटल ये जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो आपको दिया जाएगा 10 लाख तक का। और मेडिकल आपका जो है ना A1 ग्रेड का होना चाहिए और रिमार्क्स साइको टेस्ट आपके जो है ना कंडक्ट किया जाएगा। सबसे पहले आपका एक रिटेन एग्जाम होगा, ठीक है, और उसके बाद क्वालिफाई होने के बाद आपका साइको टेस्ट भी होगा, फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट बात थी। इसके बाद कस्टमर रिलेशनशिप असिस्टेंट की वैकेंसी, टोटल 14 वैकेंसी है। 3 साल का कोई भी ग्रेजुएट जो है ना किसी भी डिसिप्लिन से आपने किया हो, मतलब एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट बंदा इसके लिए अप्लाई कर सकता है, फॉर्म भर सकता है, ठीक है। और आपकी उम्र सीमा 18 से 32 साल के बीच में होनी चाहिए और आपको 30,000 रुपये प्रति माह की आपको सैलरी दी जाएगी। रिटर्न एग्जाम या जो भी है उसके बारे में मैं नीचे आपसे बात करूंगा। इसका जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 3 साल का आपके पास डिप्लोमा या B.tech वगैरह इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, तब आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। 18 से 32 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, 35,000 प्रति माह की आपको जो है ना सैलरी मिलेगी और 5% का इंक्रीमेंट भी आपको साल दर साल मिलेगा, ठीक है। आपका स्किल टेस्ट वगैरह जो भी होगा इसके बारे में और आगे। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए तो आपका 3 साल का डिप्लोमा या B.tech वगैरह कर रखा हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 32 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, 35,000 प्रतिमा की सैलरी आपको। जूनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा सेम चीज़ या B.tech कर रखा हो। सिविल के लिए आपके पास सिविल में डिप्लोमा या आपने सिविल में B.tech कर रखा हो, सैलरी सेम है, उम्र सीमा आपकी सब की सेम है, ठीक है। इसके अलावा आप देखो, मेंटेनर फिटर के लिए, अब यहाँ पर जॉब आती है ITI वालों के लिए, तो ITI फिटर से कर रखा तो आपके लिए 10 वैकेंसी है टोटल और आपको 25,000 रुपये प्रति माह की सैलरी आपको मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है। तो बिना एक्सपीरियंस के इतनी अच्छी नौकरी मिल रही, ITI वालों को भी 25,000 रुपये की सैलरी कहाँ की कम है, ठीक है। अब B.tech वालों को 35,000, तो आपको 25,000 मिल रही, नॉट बैड डील। आगे देखेंगे, मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन के लिए आपके पास ITI इलेक्ट्रीशियन में होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हैं, थोड़ा सा और आगे देखते हैं। 18 से 32 साल आपकी उम्र सीमा, 25,000 रुपये तनख्वाह, ठीक। मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल में तो सेम चीज़, आपकी ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल या IT या रेडियो में होनी चाहिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा सीटें देखो इसकी है, मेंटेनर की, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिक वालों की, तो मैकेनिक वाले बच्चे इसमें जा सकते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिक वाले 90 वैकेंसी है, 30 वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन की आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। रेफ्रिजरेशन एंड AC के लिए 7 वैकेंसी, ITI वाले फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 32 साल उम्र चाहिए, 25,000 रुपये तनख्वाह आपकी होने वाली है। अकाउंट असिस्टेंट के लिए आप 3 पोस्ट हैं, BCom होना चाहिए, ठीक है। और ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपका BBA या BCA एक पोस्ट है। तो इस तरह जो टोटल वैकेंसी होती है बच्चों, वो होती है 109, जिसे आप 200 भी मोटा मोटा कह सकते हो। तो इस तरह टोटल आपकी 200 वैकेंसी के आसपास हो गई। देखिए, आप जो है ना
एक से अलावा कई सारी पोस्टों पे भी फॉर्म भर सकते हो। कैंडिडेट कैन अप्लाई मोर देन वन पोस्ट, ठीक। सबको आपकी अपनी फीस सेपरेटली पे करनी पड़ेगी और आपको सेपरेटली फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। रिजर्वेशन अगर आप चाहते हैं एससी एसटी ओबीसी तो आपको भी रिजर्वेशन मिलने वाला है, ठीक है। ऑफ यूपी रिजर्व पोस्ट ओनली, ध्यान रखिएगा, कैंडिडेट ऑफ यूपी, तो जो यूपी के बच्चे हैं उन्हें ही सिर्फ इसमें रिजर्वेशन मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप ऑल ओवर इंडिया कहीं और से अप्लाई करते हो, किसी अन्य स्टेट से अप्लाई करते हो, तो आपको इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, एस सी एस टी वालों को 5 साल, ओबीसी वालों को 3 साल का रिजर्वेशन इसमें दिया जा रहा है, ठीक है। और आपकी जो नौकरी है वो दिल्ली एनसीआर में ही होगी, मोस्टली यही चांसेस आपके हैं दिल्ली एनसीआर में या नोएडा मेट्रो कॉरपोरेशन के ही इर्द गिर्द आपकी नौकरी, मतलब दिल्ली के आसपास ही आपकी नौकरी बनने वाली है। तो ये चीज़ ध्यान रखने के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और जो है ना, अब हम जॉब प्रोफाइल पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। जूनियर इंजीनियर की तरह क्या काम करना पड़ेगा, ये सब जो है ना आप इसे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, या फिर मैं इसका नोटिफिकेशन नीचे आपको दे दूंगा, आप वहाँ से देख पाएंगे। अब यहाँ से देख सकते हैं आप ट्रेन कंट्रोलर का, जो ऑपरेटर का जो था, स्टेशन कंट्रोलर या ट्रेन ऑपरेटर के लिए, इसके लिए आपको क्या होगा, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, 2 पेपर होंगे, फिर आपका साइको टेस्ट होगा, क्वालिफाई करना होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा। तो इतने आपके सिलेक्शन प्रोसीजर हैं। इसके बाद अगर आप जूनियर इंजीनियर में जाते हो, इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या सिविल में किसी में जाते हो, तो आपका रिटन टेस्ट होगा जिसमें 2 पेपर होंगे, आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जाम होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जाते हो अकाउंट असिस्टेंट या ऑफिस असिस्टेंट के लिए, तो आपका एक रिटन टेस्ट होगा जिसमें 2 पेपर होंगे, और आपका पर्सनल इंटरेक्शन होगा, मतलब इंटरव्यू होगा, फिर आपका जो है ना मेडिकल एग्जाम होगा। तो इस तरह रिटन टेस्ट के, और इसके बाद आपका रिटन टेस्ट है, रिटन टेस्ट के बाद आपका जो है ना जो स्टेशन कंट्रोलर, उसके लिए साइको, और बाकियों के लिए आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू के बाद मेडिकल है, और मेडिकल के बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। जो बच्चे आ जाएंगे उन बच्चों को जो है ना इसमें ले लिया जाएगा और आपकी जो है ना नौकरी शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बताई। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको और बताना चाहूँगा कि आपका जो रिटन टेस्ट वगैरह है, ये वेबसाइट, इस पर जाकर आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको यहाँ से रिटन टेस्ट के बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं। रिटन टेस्ट में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो पेपर 1 है उसमें क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और वो पेपर आपका हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में होगा, और आएगा क्या क्या, जनरल अवेयरनेस आएगी, रीजनिंग आएगी, गणित आएगी, ठीक है, और आपका नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन, मतलब जिस ट्रेड से आपने जो है ना आईटीआई, डिप्लोमा या बीटेक किया है उसका नॉलेज आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और आपके टोटल जो है ना 90 क्वेश्चन रहने वाले हैं, देयर विल बी आपके निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, और टोटल आपके पास 90 मिनट रहने वाले हैं। ये पेपर 1 की बात हो गई। अब इसके बाद जो पेपर 2 है उसमें क्या होने वाला, आप यहाँ से देख सकते हैं। आपका जो पेपर 2 है ये भी आपका जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, ठीक है, और आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे अंग्रेजी आएंगे, और जो है ना आपको जस्ट द नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आपकी इसमें पूछी जाएगी। इसमें टोटल आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे, और आपकी निगेटिव मार्किंग भी इसमें रहने वाली है। तो चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो आपका पेपर 2 है इसमें कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी, ठीक है, इसमें जो है ना आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। आपका पेपर 2 जो है ना इसमें आपको ओनली यू हैव टू ओनली क्वालिफाई द पेपर 2। तो पेपर 1 पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब जो बच्चे इसमें हो जाएंगे उनके बाद साइको टेस्ट या स्किल टेस्ट के बुलाए जाएंगे, फिर उनका बाद में मेडिकल, एक मेडिकल टेस्ट होगा। अब देखिए आपका जो है ना बॉन्ड वगैरह भरा जाएगा, अगर आप 3 साल से पहले नौकरी छोड़ते हो, ठीक है, तो आपको जो है ना 1 लाख रुपये का यहाँ से बॉन्ड भराया जाएगा। तो आपको मिनिमम 3 साल तक की नौकरी करनी ही करनी है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और आपकी उम्र सीमा की बात मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, और आगे देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं 675 रुपये आपसे फ़ीस ली जाएगी, और जो रिजर्व कैटेगरी उनसे 500 रुपये फ़ीस ली जाएगी, ठीक है। अगर आप जो है ना यूपी के अलावा कहीं और से रहने वाले हैं, तो आपको एज ए जनरल की तरह इसमें फॉर्म भरना है, तो आपके 675 रुपये की फॉर्म फ़ीस इसमें लगने वाली। हाउ टू अप्लाई की बात करें, ये वेबसाइट है, इस पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। इस पर जाना है वेबसाइट पर, फिर कैरियर पर क्लिक करना है, फिर ओपन रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पर क्लिक करना, फिर वहीं से आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर पाएंगे। ये कुछ इसके महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बता दी। 21 अगस्त तक आपके फॉर्म चलेंगे, तो इससे पहले पहले अपना फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा और आगे देखते हैं, और ध्यान रखिएगा रिजर्वेशन जो है ना वो सिर्फ यूपी वालों को मिलेगा, बाकी जो है ना ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट यू हैव टू फाइट लाइक ए जनरल कैंडिडेट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी सारे जो प्रॉब्लम या डाउट होंगे मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए होंगे। अगर फिर भी कुछ बचता है तो आप हमसे कमेंट के थ्रू जुड़ सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।